हाउसवाइफ है सब जानती है। अरे भाई इतने सारे गिफ्ट। अरे हमारी चाची ये सारे गिफ्ट लाई है। अरे लेकिन ये सारे गिफ्ट तो लड़की के लिए हैं। मम्मी मुझे ब्रदर नहीं चाहिए, मुझे बहन चाहिए। मुझे बहन नहीं, मुझे भाई चाहिए। भाई हम तो चाहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों हो, जुड़वा एक साथ। एप्पल जो काटे उसे नाइफ कहते हैं, और जिससे स्वयं दरोगा जी डरे उसे वाइफ कहते हैं। लेकिन आपकी वाइफ बनकर हमारा इस परिवार के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस परिवार के हर एक सदस्य के भावनाओं का और उनकी जरूरतों का पूरे मन से ख्याल रखें। एक बात है सोना जी, आपने अपनी बातों के जाल में इस कन्हैया नाम के पंछी को फंसा लिया कि आप घर में बाकी लोगों की जिम्मेदारियां जो निभाती हैं उसको थोड़ा सा छोड़ दें, मगर हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो वक्त है ये फिर कभी आए कि ना आए। ये पांचवा हिस्सा खा लो, बहुत मजेदार होगा। हेलो पगला गए होगा, और कौन दूसरी खुरापात करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, और ये आजकल कहाँ सोचने लगे हो बे, कोरट कचहरी हिस्सा बंटवारा पांचवा? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, खा लो सेब खा लो। ये चीकू के लिए ये गिफ्ट तो बड़ा महंगा है। देखो उधम, बिना सोचे भी एक जैसे महंगे गिफ्ट ले सकते थे। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। उधम भैया आप क्या, इस परिवार में बजट पर तो कोई भी ध्यान नहीं देता है, फिजूल के खर्चे होते रहते हैं बस। जो चीज पहले से घर में है उसे भी बाहर से खरीद कर इस्तेमाल करने की आदत है हर चीज में। बस बहुत हो गया, हम सब क्या भिखारी पड़े? पर दीदी हर चीज जरूरत भरी हो तो उसमें नुकसान क्या है? तुमने फिर से शुरू कर दिया, हाउसवाइफ वो हाउसवाइफ ही रहो, हमें मत सिखाओ कि फेस पैक में कितना पानी मिक्स करना है। अरे बेटी तुम इस तरह बैठो, तुम गुम सुम उदास क्यों बैठी हो बेटा? नहीं चाचा जी, मुझसे मत छुपाओ, हम तो इस बिखरे हुए परिवार को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेटी इस दिशा में अचानक बदलाव लोगों के लिए स्वीकारना मुश्किल होगा। एक इंसान इस काम को आसान कर सकता है। कौन बेटा? मम्मी जी। पैसे की बचत की बात की तो भाभी जल्द मान जाएगी। मैंने मंजू मामी को पुनी दाई से बात कर कोई नया सबूत लगा। किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? अरे देवर, मैंने आते साथ दो तीन बत्तियां बंद की, आपने नोटिस तक नहीं किया। तो भाभी इसका एक ही मतलब है कि ये बत्तियां फजूल में जल रही थी। सच है, शायद भूल से रह गई होगी। अब भाभी आप सुनिए मेरी बात, अगर आपकी तरह घर के सब लोग भूल जाए इस बात को, पैसे जाया होंगे भाभी, लेकिन अगर भाभी इस मामले में हम बचत करें तो वो पैसे घर की भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक अच्छी हाउसवाइफ का यही फर्ज है कि वो पैसे की बचत करें। मुझे लगता है कि ये काम आपको सोना बहू को सौंप देना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवर जी। सोना बहू, ओ सोना बहू जरा यहाँ आना। जी मम्मी जी। सोना बहू आज से घर में बचत करने का जिम्मा तुम्हारा। एक बात हम सबको एकदम क्लियर कट बताना चाहते हैं, कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में फिट कर लो। आज से इस घर में फिजूल की फिजूल खर्ची एकदम बंद। कि फिजूल खर्ची बचाने के लिए कुछ बचत कानून बनाए हैं हमने, जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी इस कानून को तोड़ता हुआ पाया गया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अम्मे मम्मी जी, हम कहां फिजूल खर्ची किए पड़े हैं? हाँ? अगर किसी ने अपना मुंह का शटर दोबारा खोला तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सोना बहु बचत कानून के रूल रेगुलेशन सबको पढ़ के सुना दो, और कौन सा रूल तोड़ने पर कौन सी सजा लागू होगी ये भी सुना दो। पहला रूल, सबका 7 बजे उठना जरूरी है। हाउसवाइफ है सब जानती है।